दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए घरेलू नुस्खे हेल्थ रेमेडीज़ को और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। सर्दी और खांसी से बचने के लिए काढ़ा एक आयुर्वेदिक औषधि है। काढ़ा एक पेय पदार्थ है जिसमें औषधियों और मसालों का मिश्रण होता है। काढ़े में कई आयुर्वेदिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। काढ़े के सेवन करने से आप कई मौसमी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं काढ़े को तैयार करने की विधि। सामग्री: 4 से 6 तुलसी के पत्ते, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 2 इंच दालचीनी, हल्दी आधा चम्मच, अदरक आधा इंच, शहद 2 से 3 चम्मच, गुड़। सबसे पहले अदरक और तुलसी की पत्ती अच्छी तरह से धो लें। 2 से 3 कप पानी को एक छोटे कटोरे में उबालने के लिए रख दें। अब सारी सामग्री को कूट कर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को उबलते पानी में मिला लें और तब तक उबालें जब तक आधा पानी उड़ जाए। अब इस पानी को छन्नी से छान लें और शहद मिला लें। आप इसका गर्म गर्म ही सेवन करें। काढ़े के सेवन करने के लाभ: काढ़े में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये सर्दी और खांसी के लिए जानी जाने वाली प्रमुख औषधि है। काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले को जुकाम से राहत देते हैं। इसके साथ ही तुलसी मिली होने से ये खांसी में भी लाभ पहुंचाता है। काढ़ा सिर्फ सर्दी जुकाम से ही छुटकारा नहीं दिलाता बल्कि हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।